गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। और जो विधि दास आपको बता रहा है, इससे बहुत ज्यादा कमाई बन जाती है। एक श्वास, उस श्वास की जो कीमत है, एक सतनाम के मंत्र की कितनी कीमत है जो विधिवत साधना की जाती है। अब ये श्वास से सिमरण होता सतनाम का, दो अक्षर का। एक मंत्र बाहर छोड़ते हैं श्वास से और एक अंदर लेते हैं, उस पर ध्यान रखना पड़ता है कि क्या बाहर छोड़ रहा हूँ क्या अंदर ले रहा हूँ। इसको सुरत शब्द अभ्यास बोलते हैं। तो सूक्ष्म वेद में बताया है कि सतनाम पाल डे रंग होरी हो और 14 लोग चढ़ावे राम रंग होरी हो। सतनाम, ये दो अक्षर का मंत्र, तराजू के यानी बैलेंस के तखड़ी के एक पलड़े में तो श्वास उश्वास यानी सतनाम का जो एक मंत्र पूरा होता है। एक बार छोड़ दिया दूसरा अंदर, ये एक पूरा हो गया। इसकी कीमत एक तराजू के पलड़े में रख दे और दूसरे तराजू के पलड़े में ये यहाँ के 14 लोक, विष्णु का लोक, शिव का लोक, ब्रह्मा का लोक, दुर्गा का लोक, ब्रह्म लोक, ये सारे दर दे। और ये तीन लोक हम तो एक छोटे से मेंबर, सरपंच और मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनकर भूल जाते हैं, भूल जाते हैं भगवान को। परमात्मा हमारी आँख खोलना चाहते हैं कि यदि तूने यहाँ से मोक्ष कराना है, स्वप्न में भी इस राजपद की इच्छा मत करना। इंद्र दा राज काग दा बिष्टा ना भोगा इंद्राणी नू। जो परमात्मा चाहते हो तो यहाँ के सब इस तरह के जो चोचले हैं ये त्यागने पड़ेंगे। कहते हैं तीन लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुला तुला या राम रंग होरी हो। पासंग क्या होती है? तीन लोक कौन से हैं? ये पृथ्वी लोक, पूरा पृथ्वी, और पूरा स्वर्ग लोक। एक अलग से स्वर्ग लोक कोमन स्वर्ग है नरक के साथ में, और एक पाताल लोक जहाँ पर प्राणी हैं। तो कहते हैं तीन लोकों को तो पासंग रखा है, ये तो सौदे में गिनती है कोना। पासंग क्या होती थी, सौदा क्या होता था? जैसे कोई सौदागर आता था, हमारे किसान परिवार में जन्म था, तो घरवाले जब कणक बेचा करते तो लाला जी आया करता, तो ताखड़ी होती तराजू, तो उसको पहले दोनों पक्ष देखते थे, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो गड़बड़ लगती थी तो उन्हीं के सामने जो फसल, जो भी कणक लेनी तोलनी होती थी, उसी में से मुट्ठी भर उठा कर और दूसरे तराजू में जो डिसबैलेंस था, अनबैलेंस था, उसको बैलेंस करने के लिए जिस थार में बाट रखते हैं उधर डाल देते थे एक दो मुट्ठी। उसको पासंग कहा करते कि इसमें एक मुट्ठी पासंग थी। पासंग मीन एरर, एरर इन बैलेंस। उस एरर को करेक्ट करने के लिए जो रखा जाती थी वही कणक, जैसे चने तोलते थे या गेहूँ, एक मुट्ठी पर जितनी भी आवश्यकता होती थी बैलेंस करने के लिए उसको एक तरफ डाल देते थे। वह तो पासंग है, वह सौदे में आती ही नहीं, और उसी तरफ बाट रख कर और दूसरी तरफ वो कणक डाल डाल कर तोल तोल कर अपना सौदा करते थे। तो क्या बताते हैं, यो सतनाम पालड़े रंग होरी हो और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, तीन लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। एक सतनाम के विधिवत सिमरण की कितनी कीमत है। जैसे अब कितनी कीमत है, कहते हैं 1000 बार मौखिक जाप। जैसे आपको बताया था कि नानक साहिब जी की जन्म साखी में लिखा है, समुद्र की साखियों में सतनाम जाप करते थे वो। तो उसमें क्या लिखा कि मर्दाना जी बता रहे हैं गुरुदेव अंगद जी को, तो वो बता रहे हैं कि एक बार मैं और मर्दाना, मर्दाना और बाला,
बालाजी बता रहे हैं कि मैं और मर्दाना ने प्रार्थना की, गुरुदेव आप हमें लंका दिखा दो जहाँ श्री राम जी ने चढ़ाई की थी। तो नानक साहब ने कहा कि आंखें बंद करो। आंखें बंद करी, कहा खोलो, खोले तो हम समुद्र के किनारे थे। तो समुद्र के ऊपर हम ऐसे चल पड़े। कहा गुरुदेव ने कि तुम वाहेगुरु करते हुए मेरे पीछे आ जाओ, और गुरुजी आगे आगे चल पड़े। समुद्र पर ऐसे चल रहे थे जैसे जमीन पर चलते हैं तीनों जने। आगे जाके मर्दाना ने क्या देखा कि गुरुजी ये दो मंत्र का जाप मौखिक कर रहे हैं, बोल बोल कर, उच्चारण करके। तो मर्दाना जी ने सोचा भी मंत्र तो ये है गुरुजी वाला, मैं यही करूँगा। तो मर्दाना भी वही दो मंत्र के जाप का उच्चारण करने लग गया। तो वो समुद्र में डूबन लग गया एकदम। तब गुरुजी ने देखा कि मर्दाना तू वही जाप मंत्र कर जो मैंने तुझे बताया है, ये मेरे वाला मत कर, गुरुजी की करनी बनी देखा करते। तो मर्दाना फिर वही वाहेगुरु करने लग गया। तो वो फिर पृथ्वी की तरह समुद्र पर चलने लगा। तो कहने का भाव ये है कि जैसे परमात्मा परमेश्वर कबीर जी ने, परम अक्षर ब्रह्म ने नानक जी को मिलकर बताया था कि ये मंत्र अभी सार्वजनिक नहीं करना, और सार्वजनिक मतलब किसी को देना नहीं, इसकी विधि नहीं बताना कैसे सुमन करना है। लेकिन ये प्रमाण अवश्य देना था कि मैं इस जाप को करके पार हुआ, क्योंकि अब जो पीढ़ी आ रही है ना, ये है मोक्ष का समय। इसके लिए ये सारे कारण बनाए थे परमात्मा ने। तो नानक साहब जी ने ये सार्वजनिक भी कर दिया लेकिन विधि नहीं बताई किसी को। तो आज हमें बहुत सहयोग मिल रहा है कि वास्तव में यही मंत्र है, वो सतनाम जो दो अक्षर का है। तो कहने का भाव ये है कि नानक जी वो मौखिक जाप जानबूझ के बोले थे कि इसका कुछ प्रमाण आवेगा आगे चल के, और हमारे आने वाले वंशज अपना प्रमाण पा करके कल्याण करवा देंगे। तो ऐसे एक तो मौखिक जाप करें इस दो अक्षर के सतनाम का, वो तो 1000 बार, और मानसिक 1 बार, इतनी मानसिक की इतनी कीमत है। और मानसिक 1000 बार और श्वास उस श्वास से 1 बार। अब आप कितना मौखिक जाप कर सकते हो, 1000 गुना में 1000 कर दो, लगभग 10 लाख, एक सिमरन का आपको 10 लाख मौखिक जाप जितना लाभ मिलता है। और फिर आप इससे कितने धनी हो रहे हो, कितना सिमरन करते हो श्वास उश्वास का, सतनाम का, अब आप अंदाजा लगा सकते हो। कहते हैं सतनाम पाल डे रंगोरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंगोरी हो, 3 लोक पासंग रखे रंगोरी हो, तो ना तुला तुला राम रंगोरी। तो ऐसे हम युगों युगों से काल के इतने ऋणी हो रहे हैं। जैसे आपने महावीर जैन जी की जीवनी देखी, आओ जैन धर्म को जाने, इस पुस्तक में बहुत बार दिखाई है और समय आने पर दिखाती रहेंगे। तो उसमें क्या दिखाया है कि वो 80 लाख बार तो देवता पद प्राप्त किया महापुरुष ने। ये इतना जटिल अज्ञान बना दिया इन अज्ञानियों ने। अब इसको आपके हृदय में समाना इस दास के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, और एक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए 6-6 प्रमाण देने पड़ते हैं। जब ये अबू जी के ऊपर जमा हुआ वो पुराना रंग हटता है। ये देखिएगा, एक पुस्तक है इन्हीं के द्वारा लिखी हुई, आओ जैन धर्म को जाने, कौन बनेगा सबसे ज्ञानी। लेखक हैं प्रवीण चंद्र जैन, MA शास्त्री। आओ जैन धर्म को जाने, लेखक प्रवीण चंद्र जैन, MA शास्त्री, जम्बूदीप हस्तनापुर। प्रकाशक हैं श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूदीप हस्तनापुर, मेरठ। ये मुद्रक हैं धीरेन्द्र जैन, न्यू ऋषभ ऑफसेट प्रिंटर्स, मेरठ। इतना इनका फोन नंबर है। इस पर हम आते हैं 293 सब्जेक्ट, विशेष प्रकरण में इन्होंने लिखा है, विशेष प्रकरण 293 पे। प्रश्न, श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं? उत्तर, अन्य 5 नाम हैं, वीर, अतिवीर, सम्मति, महावीर एवं वर्धमान। यहाँ से शुरू होता है 294 पे। श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहाँ से प्रारंभ होता है? उत्तर है पूर्वा नामक भील की पर्याय से, पुरूर्वा
नामक भील की प्रिया यानी जीवन से, शरीर से। पूर्वा भील कौन था, उसने क्या किया? पुष्कलावती देश की पुंडरीकिणी नगरी में वह भीलों का राजा था। उसने सागरसेन मुनिराज से मधुमास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिससे जीवन पर्यंत पालन किया। श्री महावीर भगवान का जीव पुरुर्वा भील की प्रिया यानी शरीर से कहाँ गया? पहले सौधर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ, फिर उस सौधर्म से कहाँ गया? स्वर्ग के बाद महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? भरत चक्रवर्ती की रानी अंतमती से मारिची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। ये राजा ऋषभ देव का पौत्र था। मारिची का जो जीव था वही आगे चल के महावीर जैन बना। ये मारिची कौन था? ये राजा ऋषभ देव जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर अर्थात फाउंडर ऑफ जैन धर्म माने जाते हैं, संस्थापक, उसके बेटे भरत का बेटा था, यानी ऋषभ देव जी का पौत्र था। और ऋषभ देव जी ने अपना राज त्याग किया, क्योंकि ऋषभ देव जी को परमात्मा मिले थे जाके, ये बहुत पुण्य आत्मा, अच्छी आत्माओं को प्रभु मिलते हैं, कुछ मान लेते हैं उनकी बात को, कुछ नहीं मानते हैं। सूक्ष्म वेद में लिखा है, गरीबदास साहिब ने बताया है कि ऋषभ देव के आइया वो कवि नामे करतार, जो वेदों में कबीर देव है जिसको तुम कवि कहते हो, वो कवि है भगवान, कहते वो कवि तुम कवि मान लो, वो कवि नाम परमात्मा, वो सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म इस ऋषभ देव का आया था। और नौ योगेश्वर को समझाया वो ऋषभ देव जी, प्रेरित तो हो गए सारे ज्ञान समझ कर, लेकिन अपने ही ऋषियों गुरुओं को ही उन्होंने श्रेष्ठ मानकर उन्हीं के द्वारा बताए ज्ञान पर आधारित रहे। और अणोम नाम, ओम नाम को अणोम बोलते, अणोम बता, ओम कह लेते, अणोम मंत्र तो वही है। इन बिगाड़न से आनंद आता है इन लोगों को कि हम अलग से कुछ बता दें तो जनता गेल हो ले है, और ओम सिद्धा कह दें तो ना मानना उस बात में। तो ऋषभ देव जी ने अपने गुरुओं से ही, जो ऋषियों से ज्ञान सुप्राप्त था, उसी आधार से 1000 वर्ष तक तप किया और निराहार रहे। जब पहली बार वो व्रत तोड़ा और दीक्षा शुरू की, तो सबसे पहली दीक्षा नाम इस मारिची को दिया था, अपने पोते को। और वो मारिची ऋषभ देव जी से यानी ओम नाम के जाप को प्राप्त कर वेदों अनुसार साधना करता हुआ कितना दुखी हुआ और क्या उसको प्राप्त हुआ, देखना, ये देखने की बात है। भरत चक्रवर्ती की रानी अंतमती से मारिची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ मारिची का जीव। फिर ब्रह्म स्वर्ग से फिर अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ। फिर सौधर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ। इसी फिर उसके बाद स्वर्ग से कहाँ आया, इसी भरत क्षेत्र में सुतिका नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण की गौतम स्त्री से अग्नि में नामक पुत्र हुआ, अग्निशय से फिर स्वर्ग में गया। स्वर्ग से फिर भरत क्षेत्र के मंदिर नामक ग्राम में गौतम ब्राह्मण की कौशिकी पत्नी से अग्निमित्र नामक पुत्र हुआ। अग्निमित्र की प्रिया से महावीर का जीव कहाँ गया, महेंद्र स्वर्ग में गया। महेंद्र स्वर्ग से फिर कहाँ गया, ये 294 आपने पढ़ा। मंदिर नगर में सालकाय ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक पुत्र हुआ। भारद्वाज से फिर कहाँ गया, महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ। फिर महेंद्र स्वर्ग से इतर नगोद में एक सागर की आयु वाला नगोदिया जीव हुआ। नगोद से निकल कर श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया, अब देखिए, ब्रह्मवाटी में गया। एक क्या करें ना, ब्रान माटी, रेडे माटी, खराब माटी, ये तीनों माटी हुई इसकी। यहाँ दिखा कि अनेकों भाव धारण किए इस प्रकार हैं। 1000 आख वर्ष के भाव, ओहो आँख का वृक्ष बना 1000 वर्ष। 80,000 सीप के भाव, समुद्र में होता ही है। 20,000 नीम के वृक्ष के भाव, 90,000 केली वृक्ष के भाव, 3,000 बार चंदन वृक्ष के भाव, और 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के भाव, 60,000 बार वैश्या के शरीर, ओहो 60,000 बार वैश्या, और 5 करोड़ बार शिकारी उड़ा फोड़ लिए कर्म, 5 करोड़ बार शिकारी बन गए, और 20 करोड़ बार हाथी, और 60 करोड़ बार गदा,
उतरा कुछ भैया 60 करोड़ बार गधे के और 30 करोड़ बार कुत्ते के शरीर और 60 करोड़ बार नपुसंक के भाव, 20 करोड़ बार स्त्री के भाव, 90 लाख बार धोबी के भाव, 8 करोड़ बार घोड़े के भाव, 20 करोड़ बार बिल्ली के भाव और 60 लाख बार गर्भपात से मरण, और यह देखना केवल 80 लाख बार देव पर्याय को प्राप्त हुआ। ओहो हो, इस देवता के पद ने के चाटे जब गधा बन गया और कुत्ता बन गया, और वो भी 60 करोड़ बार गधा, और तरह गजब हुई 60 करोड़ बार गधा तो एक का बना बतेरा, और 30 करोड़ बार कुत्ता, 20 करोड़ बार स्त्री, 20 करोड़ बार बिल्ली, 8 करोड़ बार घोड़ा, यानी ये तो मोटे मोटे बताऊँ 60,000 बार वैश्या, और फिर 80 लाख बार, 60 लाख बार गर्भपात का मरण है। अपुण्यात्माओं ये सोचन की बात है, परमात्मा कहते हैं सतगुर के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं फिर जाते नरक द्वार। अग नरक द्वार और दिखाता हूँ इसका, देखिए यहाँ देखिए, हम यहाँ पढ़ रहे थे 80 लाख बार देव प्रयाग को प्राप्त हुआ, उसके बाद फिर कहाँ गया, उपरोक्त भावों को प्राप्त करने के बाद श्री महावीर भगवान गदा कुत्ता बन रहा फिर भी भगवान ने किस प्रयाग को प्राप्त हुआ, राजगृह नगर में सथावर नामक ब्राह्मण बन गया, सथावर के शरीर से कहाँ गया महेंद्र स्वर्ग में, महेंद्र स्वर्ग से कहाँ गया राजगृह में विश्वभूति राजा की जैनी रानी से विश्वनंदी नामक पुत्र हो गया, विश्वनंदी की शरीर छोड़कर कहाँ गया माँ शुक्र स्वर्ग में देह हुआ, फिर माँ शुक्र स्वर्ग से निकलकर कहाँ गया त्रिपष्ट नामक नारायण हुआ, त्रिपष्ट नारायण से कहाँ गया सातवें नरक में, या नरक तरह ही रहा था इसका, अब इतना कुछ भोग कर फिर भी नरक जाना पड़ा सातवें नरक में, अब नरक से निकल कर कहाँ गया फिर शेर बना, सिंहगिरी पर्वत पर सिंह हुआ और पुनः फिर प्रथम नरक में गया। ओ तेरा गजब, प्रथम नरक से निकलकर महावीर भगवान का जीव कहाँ गया हिमवान पर्वत पर सिख शिखर पर सिंह हुआ, फिर वहाँ से यहाँ पर उसे अजित एवं अंतिज अजंत जय और अमित गुण नामक मुनिराज ने संबोधित किया, सिंह का जीव फिर कहाँ गया सौद्र स्वर्ग में सिंह केतु नामक देव हुआ, फिर कनक वहाँ से कनक पर नगर में राजा कनक पूर्वी दादर और रानी कनक माला से कंकोजल नामक पुत्र हुआ, कंकोजल से कहाँ गया कि सातवें स्वर्ग में देव हुआ, सातवें स्वर्ग से कहाँ गया अयोध्या नगरी में राजा वज्रसेन की शीलवती रानी से हरिसेन नामक पुत्र हुआ, हरिसेन का जीव कहाँ गया माँ स्वर्ग में देव हुआ, फिर दातकी खंड की पूर्व देही विदेही की पुष्कलावती देश की पुंडी किरणी नगरी में राजा सुमित्र रानी मनोरमा से प्रिय मित्र नामक चक्रवर्ती हुआ, पूरी पृथ्वी का राजा हुआ, उसके बाद फिर सहसर स्वर्ग में देव हुआ, फिर जम्मू द्वीप क्षत्र में छतरपुर नगर में नंदीवर्धन राजा की वीरमती रानी से नंद नाम का पुत्र हुआ, नंद का जीव फिर पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ, और उसके बाद 24वां तीर्थ का श्री महावीर भगवान हुआ, और आगे श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए प्रश्न किया, उत्तर देता है 363 पाखंड मत चलाए। अपनात्मा एक तो ये देख लो कलेजा हिल जाएगा आपका, जो साधनाएं आप जी करते थे अब तो जो कर रहे हैं वो भी साधना नहीं है जो मारीचि ने शुरू की थी, ऋषभ देव जी से ब्रह्म तक की साधना की उसके बाद यह दुर्गति हुई, और महावीर जैन वही आत्मा बनी जो मारीचि वाली थी जो इतने दुख पा चुकी थी, उसके बाद महावीर जी का जन्म हुआ, वो पिछला स्वर्ग से आए थे और अपने आप प्रेरित होकर के जंगल में जा बैठे, कोई गुरु नहीं धारण किया और अपने आप साधना करके 363 पाखंड मत चला दिए, उस महावीर जैन जी द्वारा चलाए गए पाखंड मतों पर वर्तमान के जैनी आधारित हैं, उनका के दुर्गति होगी, वो तो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण और भुंडी हालत होगी इनकी। अब क्या बताते हैं, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार है,
और जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कभी ना छूटते फिर फिरते चारों खान। चारों खानी में ये कुत्ते गधे सुअर बिल्ली हाथी कीड़े मकोड़े पक्षी पशु हैं, ये पेड़ ये धक्के खाते हैं। और अब ये सतगुरु ये सही मंत्र आपको मिल गए, ये बाईपास निकाल दिया आपको, आपके सभी वो पाप नाश कर दिए जाएंगे जो आपको इन दुखों में डालते थे। कहते हैं सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खान। चार खानी में भ्रमता में कभू ना लगता पार, और सो झंझट सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। अब ऐसे संत की कहते सात समंदर की मसी करूं और लेखनी करूं बन रहा है, धरती का कागज करूं तो इसे गुरु गुण लिखा न जाए। अपने आत्माओं आपको तो इन अज्ञानियों ने गड़बड़ी कर रखी थी, गड़बड़ गोड़ा कर रखा था, वो दिखाते हैं अनुवादों में। पुण्यात्माओं ये दास आपको बार बार कहता है कि आपका बहुत सौभाग्य है कि आपको इस कलयुग के अंदर मनुष्य जीवन प्राप्त है और आपका अब छुटकारा हो सकता है। हम अपने पेट के लिए रोजी रोटी के लिए शिक्षा ग्रहण करते हैं। 14 वर्ष 12 वर्ष 10 वर्ष बच्चा लगातार कंटिन्यूस पढ़ता है, स्कूल में विद्यालय में पढ़ कर आता है, फिर कोचिंग नारी देते हैं, ट्यूशन अलग लगवाते हैं, तब भी 2% को नौकरी प्राप्त होती है, पेट का गुजारा प्राप्त होता है। और ये जो मार्ग है जिससे हम सदा सुखी हो जाएंगे फॉर एवर, और यहाँ रोजगार भी आपका अच्छा मिलेगा, दो रोटी आपने औरों से अच्छी देगा, सुख में देगा, तो उसके लिए हमने समय निकालना पड़ेगा। और इस समय में कोई विशेष भी ज़्यादा नहीं, जैसे आप पहले ताश खेला करते, सिनेमा देखा करते, गप्पे मारा करते, हुक्के पाड़ा करते, उस समय को इस मालिक के चरणों में लगा दें बस। बाकी अपना धंधा भी कर, साथ में मालिक ने याद भी करता रहे, मंत्र भी ऐसे हैं। तो इसलिए आपको ये बार बार कोचिंग दी जा रही है, यहाँ पढ़ाया भी जा रहा है और ट्यूशन भी यहीं इकट्ठी ही कराई जा रही है। ट्यूशन के लिए आपको सीडी बना दी गई है, उन सीडीज को ले जाकर बाद में घर आपका खूब देखा करो। जैसे पहले बस में सफ़र कराया करते और इतनी भीड़ हो जाती उस बस में, कई बार तो एक पैर पर खड़े होकर न भीड़ कमा, दो दो घंटे सफ़र कराया करते, पसीना पसीना हो जाते। और ट्रेन में जाना पड़ जाए मानो तीन तीन चार चार छः छः घंटे एक पैर पर खड़े रहो भीड़ में। इसलिए हमने यहाँ परमात्मा को इस दृष्टिकोण से सोच कर इस मार्ग को अपने इस मन पापी ने डांट कर ध्यान तक सत्संग सुनना चाहिए, चाहे 10 मिनट आगा पेछा ज़्यादा कम भी हो जाए तो इस मन ने यहाँ से दौड़ ना दे, इसकी लगाम बांध कर आखिर इस एक एक शब्द के ऊपर इसको रोके। ये तो भागने की चेष्टा करता है, कुछ ऐसे बुद्धू देखे तो यहाँ मार खा जाते हैं। आश्रम में भी रहने वाले सेवादार भी नो कह जी सत्संग के दौरान हम सिमरण कर लें, अरे भले आदमी हो सत्संग के टाइम तुम सिमरण करोगे, सत्संग के समय सत्संग ही सुनना चाहिए, नहीं तो मार खा जाओगे, सिमरण सिमरण तो बात नहीं बनाए। परमात्मा कहते हैं कर्म नैयारी देते बसमागिर बसमनते, बसमागिरी भी सिमरण करे था, कितनी साधना गौर कर रहा था, ऊपर न पैर नीचे न सिर कर रहा था, और ज्ञान ना सुनने से बकवाद आ गई मन में, ब्रह्म माटी करवा लिया अपनी। कहते कर्म ना यारी देता ये भस्मागर भस्मंत, तो सत्संग का सुनना भी बहुत जरूरी है। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और इसके अनुवादक हैं जय दयाल गोविंद का, जो दास आपको पढ़ा रहा है। गीता प्रेस गोरखपुर 18वें अध्याय का 66वां श्लोक दिखाते हैं सभी का, 3-4 ये जिनकी मेरे पास उपलब्ध है गीता अनुवादित वो देखिएगा। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्व हे भारत तू सर्व प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को
तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। ये शाश्वतम स्थानम प्राप्यसि प्राप्यसि। अच्छा, इस फिर ये 63 में क्या कहा, 18 में जाएगा 63 में श्लोक में, इस प्रकार ये गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान यानी गीता जी का ज्ञान मैंने तुझे कह दिया। इस रहस्य युक्त ज्ञान को तो पूर्णतः भलीभांति विचार कर जैसे चाहता वैसे कर ले। मेरी भक्ति करनी है तो मेरे ओम मेरा नाम जाप कर, और उसकी करनी है तो तत्वदर्शी संत की खोज कर। अब 64 में फिर कहा है, देखो यहाँ इसने कह दिया ये अति गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझे कह दिया, फिर क्या कहता है 64 में, संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन तो फिर सुन। आह, मेरा अतिशय प्रिय है, नहीं या इष्ट माने इष्ट है असी में, इससे यह तेरे तेरे हित में कहूँगा तुझे कहूँगा, ये परम हितकर वचन तेरे तुझे कहूँगा। इसका अर्थ यहाँ देखो 64 में का, सर्व गुहेतम भूय स्वर्णों में परम परम वच वच इष्ट असी में दृढ़म इति। जो 18 में 62 श्लोक में जिस परमात्मा के बारे में कह रहा हूँ इष्ट असी में दृढ़म, वो पक्कम पक्का सुदृढ़ यानी मेरा पक्का इष्ट देव है, और ये गुप्त से गुप्त सबसे गुप्त भेद और तुझे बता रहा हूँ, क्योंकि तू मेरा मित्र है प्रिय है साथी है। अब सर्वम देखो यहाँ इसने लिख ही दिया है, इस अति गोपनीय से भी गोपनीय ज्ञान मैंने तन कह दिया, गीतालत ज्ञान हो लिया यू। अब ये कहा कि एक और सर्व गुहतम भूय स्वर्णों में परम वच परमम वच है सबसे गुप्त इष्ट असी में दृढ़म इति, जो 18 में 62 श्लोक में जिसके बारे में कह रहा हूँ वो परम अक्षर ब्रह्म मेरा भी इष्ट देव है, ये तेरे हित में बताता हूँ। अब आगे देखो फिर 65 में ये कहा है कि तू मेरी शरण में रहना है तो मुझ में मनवाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर, ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, तुझे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। अभी 66 में कमाल कर दिया है कि उसकी शरण में जाना है लास्ट, क्योंकि गीता जी का 18वां अध्याय लास्ट अंतिम अध्याय है और अंतिम श्लोक चल रहे हैं, निर्णायक ज्ञान दिया जा रहा है यहाँ पर। अब क्या बता, 18वें अध्याय का ये 66वां श्लोक है। इसमें लिखा है कि सर्व धर्मान परितज माम एकम शरणम वर्ज अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामी मा सुच। इसका अर्थ ये बना है कि सर्व धर्मान परितज माम, मेरे सतर के सभी धार्मिक पूजाएं अनुष्ठान की सबक्ति मुझे छोड़कर एकम शरणम व्रज उस अद्वितीय सर्वशक्तिमान परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, परमेश्वर उस परमेश्वर की शरण में जा। व्रज माने जाना, इन्होंने गलत अनुवाद किया, सभी ने आना किया है व्रज माने। महम तवा सर्व पापे भय मोक्ष्यामी मा शुच, फिर मैं तुझे सब कर्म दंड से मुक्त कर दूंगा, तुझे छोड़ दूंगा, तू कित जाइए। फिर इन्होंने क्या अनुवाद किया है कि सर्व संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर एक एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा, वर्ण माने व्रज माने आ जा, और मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। अरे भले आदमियों, अब उसकी शरण में तो वो खड़ाए था, उसकी शरण में तो रहित रहा था, वो तो कह रहा कि अगर तूने उसकी शरण में जाना है तो मेरे सतर की सब पूजाओं को मुझ में छोड़ दे, फिर तू जा, वैसे नहीं जाने दूंगा। व्रज माने जाना होता है। अभी आपको दिखाते हैं शब्दकोश। एक बहन बता रही थी कि मेरा पति PhD इन संस्कृत और वो लड़की भी PhD इन संस्कृत, शादी होने के बाद पहले वो नाम ले लिया बेटी का, बाद में शादी हुई विवाह हुआ तो उसने अपने पति को समझाने की चेष्टा की, तो वो सारी कुछ सुनकर कहने लगा मेरे पास एक डिक्शनरी और रखी है वो देखूंगा, उसमें क्या लिख रखा है, व्रज माने जाना भी आना भी। अरे थारा गजब हुई, नई जो डिक्शनरी बना दी नड़ियों ने उसमें रेफरेंस भी दे रखा है गीता अध्याय 18 का 66 का, कि जैसा ही नड़ियों ने उल्ट अर्थ कर दिया
वह डिक्शनरी में भी उलट फेट कर दिया। गो माने जाना है, उसका कम अर्थ हो ही नहीं सकता, ये बकवाद की बातें हैं, अंडरस्टूड है। यहाँ देखो, ये है संस्कृत हिंदी कोश, ये वामन शिवराम आपटे द्वारा मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से छपा है। इसके 993 पृष्ठ पे ये देखिएगा, वर्ज, वर्ज माने जाना चलना प्रगति करना, विदा होना निवृत्त होना आदि आदि। और दिखाता हूँ, कमाल है, तो और आपको यकीन हो जाएगा वर्ज माने जाना ही होता है। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, यह है कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ। यह है गीतोपनिषद श्रीमद् भगवत गीता यथारूप संपूर्ण एवं अखंड संस्करण परिवर्धित एवं परिशोधित, मूल संस्कृत पाठ शब्दार्थ अनुवाद तथा विस्तृत तात्पर्य सहित द्वारा, किसने अनुवाद किया, कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। इसको एस्कॉन वाले बोलते हैं, इसको एस्कॉन वाले की। आइएगा यहाँ पर 18वें अध्याय का ये 66वां श्लोक, ये है 18वां अध्याय का 66वां श्लोक, यहाँ नीचे 66। सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम वर्ज, अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामी मा सुच। इसका अनुवाद यहाँ किया इन्होंने, इन्होंने किसी सुथरी झूठ बोल रखी है, देखो कितनी अच्छी तरह संवार के। यहाँ सर्वधर्मान माने अर्थ किया इन्होंने समस्त प्रकार के धर्म, ठीक है, जैसा भी इनकी बुद्धि काम कर रही थी। प्रीतज माने त्याग कर, माम माने मेरी, एकम माने एकमात्र, शरणम माने शरण में, वर्ज माने जाओ, यहाँ वर्ज माने जाओ ठीक लिख दिया, अर्थ ठीक लिखा है, अनुवाद देखो क्या किया है। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। थोड़ा गजब भैयो, एक लाइन दो लाइन पाछा झूठ बोल दी। यहाँ वर्ज माने तो लिख रहे जाना, बिल्कुल ठीक है जाओ, और यहाँ कहता है मेरी शरण में आओ। ये क्यों प्रसिद्ध हो गए, जैसे ये देखिएगा इनके साथ क्या है, इन्होंने न्यो प्रसिद्धि पाई है कि ये लाल बहादुर शास्त्री जी भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारतवर्ष के, ये पुण्यात्मा हैं, जितने भी अच्छे पोस्ट होती हैं इनकी भगवान के चाहने वाले, इन्होंने इसका भी समर्थन ले लिया कि इन्होंने इसके बारे में कहा कि कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद मूल्यवान कार्य कर रहे हैं और उनकी पुस्तकें मानव जाति के उद्धार के लिए महत्वपूर्ण है, योगदान है, स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत। अब यह छाप जिसने लग जाएगी ना सोचेंगे वह प्रधानमंत्री भी जब समर्थन कर रहा है प्रशंसा कर रहा है तो तोड़ा पाट रखा होगा, ये प्रधानमंत्री अनके मेरा भक्ति मार्ग का, ये तो राजनीतिज हैं, ये इनकी लाइनें दूसरी है। एक और अड़ंगड़ा नंद साहब लिख रखे हैं, उसकी उसने अनुवाद किया है, उसके बारे में लिख रखा है कि उसको पेरणी के उपाधि दी है, जगत गुरु की उपाधि दी है उसको, किसने, पांच कमेटी बनी पांच छह आदमियों की, उन्होंने उसको जगत गुरु की उपाधि दी। अरे उन पांच कमेटी वाले ने आप कहेगा नहीं बेरा योडंगाड़ ने के लिख रखा है इसमें, और वो उसको जगत गुरु वो बना रहे हैं। जैसे पहले शास्त्रार्थ होया करते थे, जो ज़्यादा संस्कृत लगातार बोल देता वो श्रोता अशिक्षित जो कुछ भी नहीं जानते थे संस्कृत के बारे में, वो ताली पीट दिया करते और उसको विजयी करा देते, चाहे वो कुछ भी बन रहा था, चाहे कैखे का भी नहीं पता था, ऐसे बिगड़ी हुई थी बातें। अब हम अपनी आँखों देखेंगे और फिर उस पथ पर चलेंगे, फिर हम कोई डगमग नहीं कर सकता। ये देखिए श्री आसाराम जी द्वारा मान्यता प्राप्त ये श्रीमद् भगवद गीता का अनुवाद देखिएगा, संत श्री आसाराम जी आश्रम अहमदाबाद।
ये स्वामी जी का चित्र है। श्रीमद् भागवत गीता श्री योग वेदांत सेवा समिति संत श्री आसाराम जी आश्रम संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम मार्ग अहमदाबाद आसर आसाराम ये जहांगीरपुर सूरत ऐसे ऐसे। अब इसके हम यहीं आ जाते हैं, अपने काम की बात देखते हैं। 18वां अध्याय और ये 66वां श्लोक। सर्वधर्मान परितज माम एकम शरणम व्रज। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल मुझ सर्व एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वधार परमेश्वर की शरण में आ जा। व्रज माने आ जा। जय हो आसाराम की। ठीक है, इब देखो सुधांशु राम की जय। देखो कैसी कर रखी है। ये है श्रीमद् भगवत गीता आचार्य सुधांशु जी महाराज द्वारा अनुवादित। प्रकाशक है विश्व जागृति मिशन ओंकारेश्वर महादेव मंदिर जी ब्लाकमान फ्लोर गार्डन नई दिल्ली में। प्रस्तुति लेखक है जगदीश चंद्र अरोड़ा डॉक्टर नरेंद्र मदान यशोधरा सुरेंद्र चतुर्वेदी आदि। मुद्रक है इंटर इंडिया पब्लिकेशंस D17 राजा गार्डन नई दिल्ली इतने। अब फिर आते हैं वहीं पर। इन्हें एक कुएं की भांग पी रखी सबने। ये 18वां अध्याय और 66वां श्लोक। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। जय हो सुधांशु जी की। इन सारा ने एक कुएं की भांग पी रखी है और एक तरह बोल रहे हैं। अब देखिएगा ये सतपाल जी महाराज ये अंसा देश वाले का और सुन लो दो बोल। श्रीमद् भगवत गीता भाव प्रबोधित प्रबोधिनी भाषा टीका सहित अनुवादक हैं ब्रह्मलीन महात्मा सत्यानंद मास्टर सर्वानंद आदि। संपादक हंसादेश। प्रकाशक है मानव उत्थान सेवा समिति 2/12 पंजाबी बाग नई दिल्ली। इन्होंने थोक के भागा कर रखा अनुवाद के पैसे इकट्ठे करना और अपने गुरुजी के नाम पर किताब बेचना इनका उद्देश्य था। अष्टदशो अध्याय 18वां। यहाँ देखो कट्ठे 1, 58, 59, 60 तीना का कट्ठा है। रो काट रखा है अनुवाद कर दिया। फिर 61, 62, 63 का यू ऊपर कर दिया। अब यू नीचे है 64, 65, 66 का। तो ये 66 है। सर्वधर्मान परितज माम एकम शरणम व्रज। इसका यहाँ अनुवाद है दूसरे पृष्ठ पे। वही जो कि ने कॉपी कर रखी है सर्व धर्मों के कर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ। ये अंसा देश की जय। इब और देख लो एक है यो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो कि एक कह रहा था कि उनकी द्वारा गीता बहुत अच्छी अनुवादित है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भागवत गीता ये हैं डॉक्टर जी। ये हिंद पॉकेट से छुपी है। ये देखो ये 66वां श्लोक। सर्वधर्मान परितज माम एकम शरणम व्रज। सब कर्तव्यों को छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। जय हो डॉक्टर जी की। अब और दिखाता हूँ। ये है श्री राम सुखदास जी साधक संजीवनी। ये इतनी मोटी किताब बना रखी है भगवान ने सोचा आदमी इसमें तो भगवान छुपाए रखा हुआ किसी ने। देखो कितनी मोटी वो तो रख जो बोली और कितनी लंबी चौड़ी देखिए। ओहो हो पूरा उसमें कोरा अड़ंगा पर रखा अनुवाद का अड़ंगा कर रखा इन्होंने। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता सचित्र साधक संजीवनी परिशिष्ट सहित हिंदी टीका स्वामी राम सुखदास इसके अनुवादक हैं।
गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, प्रकाशक मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद मनु कार्यालय कलकत्ता का संस्थान, और ये गीता प्रेस गोरखपुर के संचालक भी माने जाते हैं। देखिएगा 18वां अध्याय 66वां श्लोक, सर्वधर्मान परितज माम एकम शरणम व्रज। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में व्रज माने आ जा। आगे समझ में, अर देखिए, इस अज्ञान का और अज्ञान करने के लिए इसे छोटे छोटे अक्षरा में यहाँ से देखिएगा 1200 संख्या पृष्ठ से लिखन लग गया, ये कबाड़ करन लग गया इसका। इस अज्ञान को, अपने ज्ञान को, आजा को छुपाने के लिए जाने की जगह, और कहाँ देखिए छोटे छोटे अक्षरों में लिख करके वो थोड़ा बड़ा 1200 से लेकर कित पीछा छोड़ जाए न जाकर भगवान 12 पृष्ठ पर रखे हैं। बता वो तेरा गजब हो जो यहाँ तक, ये देखो ये 1218 पृष्ठ तक, और 1219 का भी आधा ले रखा है, यानी 19 पृष्ठों में योग कबाड़ कर रखा है। यहाँ से 67वां श्लोक शुरू होता है, यहाँ तक इस 66 में 18 के 66 का अड़ंगा इस व्रज को यानी जाने को आना कर कर, फिर उसका अड़ंगे को अड़ंगा अड़ंगा मड़ंगा उड़ जाकर 19 पेज भर दिए हमें मूर्ख बनाने के लिए। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। निरंजन धन तेरा दरबार, भाई वैसा ओडे मुल मुल खासा गल मोतियों के आर, वैसा ओडे मुल मुल खासा गल मोतियों के आर। पतिवर्ता को मिले न खादी व सूखा निरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़े, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़े, अज्ञानी को परम विवेकी ज्ञानी को मूढ़ गंवार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भई साधो या सब उल्टा व्यवहार, कह कबीर सुनो भई साधो या सब उल्टा व्यवहार। सचों को तो झूठा बतावे इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भई साधो या सब उल्टा व्यवहार, कह कबीर सुनो भई साधो या सब उल्टा व्यवहार। सचों को तो ये झूठा बतावे इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। परमात्मा 600 साल पहले रोया करते थे, अरे जुलम कर रखा काल तने, इन पाखंडिया ने तो मैं ऋषि बनाए बैठे, और बड़े बड़े विद्वान विवेक पर पता नहीं के फीतला रखी इनके। और परमात्मा कह रहे हैं मैं जो सच्चाई बताता हूँ, मुझे नहीं लबाड़ है ये तो झूठ बोल रहा सारी है, और मुझे सच्चे को तो झूठा बताओ, झूठा का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार। मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंधरे, दिखत के तो नैन चम इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये कुआवत विद्वान थे और कति अज्ञानी थे, पूरे के पूरे पूरे मानव समाज को बर्बाद कर दिया नालायका ने।
अब समय आ गया पुण्यात्माओं, पूरा विश्व जागेगा, सत्य ज्ञान पर लगेगा और पूरा कल्याण होगा विश्व का, एकदम शांति आवेगी। भगवान जो सुख देगा, हम अपने अपने स्तर से वो सुख प्राप्त कभी नहीं कर सकते। जो बिजली पावर काम करेगी वो हाथ से नहीं हो सकता। तो हमने पावर का कनेक्शन सही मिल गया है, फिर देखियो आपके कितने सुख होंगे और मोक्ष होगा। बोलो सतगुरुदेव। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।